ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें हम और आप त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में त्रिदेव को सर्वोपरि माना गया है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले और इसे मानने वाले लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से ही उठता आया है, और ये सवाल त्रिमूर्ति के जन्म से जुड़ा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार हर मनुष्य के माता पिता होते हैं, क्या उस प्रकार त्रिदेव को भी किसी ने जन्म दिया है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म देने वाले अर्थात उनके माता पिता कौन हैं। मित्रों, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सभी मनुष्य त्रिमूर्ति का ही अंश हैं, लेकिन क्या त्रिमूर्ति भी किसी का अंश है? आखिर उनका जन्म कैसे हुआ? ये सवाल लाखों सालों से पूछा जा रहा है। शिव पुराण के अनुसार जब एक बार भगवान शिव के भक्तों ने उनसे उनकी उत्पत्ति और उन्हें जन्म देने वाले पिता के बारे में पूछा, तो महादेव ने जगत गुरु ब्रह्मा का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन है, तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही विष्णु का पिता हूँ। वैसे मित्रों, यहाँ पर बता दूं कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म को ही सत्य और परमेश्वर बताया गया है। इसके अलावा हमारे हिंदू शास्त्रों में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे हुआ था भगवान शंकर का जन्म। मित्रों, हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल था, न अग्नि और न ही वायु थी, तब केवल तत्सत ब्रह्मा ही थे, जिसे श्रुति में कहा गया है सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। ऐसी मान्यता है कि उस पर ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प पैदा हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म थी। मित्रों, परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वो परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। इसके बाद सदाशिव ने अपने शरीर से एक शक्ति की उत्पत्ति की, ऐसी शक्ति जो सदाशिव के शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। मित्रों, बता दूं कि ये शक्ति कोई और नहीं अंबिका थी, और फिर इस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। यहाँ पर यह भी बता दूं कि काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। इसके अलावा काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण भी किया, और इस स्थान को आज हम और आप काशी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, वही काशी जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा जाता है। विष्णु जी का जन्म। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार मोक्ष के स्थान काशी में शक्ति और शिव अर्थात सदाशिव और दुर्गा पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। और एक बार जब आनंद रूप मन में सदाशिव रमण कर रहे थे, तो उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई किसी दूसरे पुरुष की उत्पत्ति की जाए, ऐसा पुरुष जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार रखा जा सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृतमल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। सदाशिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम आज से विष्णु के नाम से जाने जाओगे। तो मित्रों, इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। ब्रह्मा जी का जन्म। मित्रों, शिव पुराण में ब्रह्मा जी के जन्म का भी उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा आगे कहते हैं, मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस संशय में पड़ा हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पिता विष्णु भगवान को बताया गया है। लेकिन इसके अलावा भी त्रिदेव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग हिंदू ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो जन्मा या प्रकट हुआ है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो अजन्मा, अप्रकट और निराकार है, तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है।
इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति को लेकर किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। त्रिदेव की उत्पत्ति पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।